नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तू विधाता तूच आशा गणेशा कृपा सिंधु दीन बंधु गुणाधीशा गणेशा तूच दाता तू विधाता तूच आशा गणेशा कृपा सिंधु दीन बंधु गुणाधीशा गणेशा तुझी आचरणा सीता ही दुख विनाशी अनंता तुझी आचरणा सीता ही दुख विनाशी अनंता तुझा ठाई मन हिराहो हीच आता मनीषा तूच दाता तू विधाता तूच आशा गणेशा कृपा सिंधु दीन बंधु गुणाधीशा गणेशा निराशा कृपा सिंधु दीन बंधु गुणाधीशा गणेशा तुझी आचरणा सीता हे दुख विनाशी अनंता तुझी आचरणा सीता हे दुख विनाशी अनंता तुझा ठाई मन हेरा होईच आता मनीषा तूच आशा गणेशा सुजी, अगर ये कल की मीटिंग सक्सेसफुल होगी तो शायद हमें अगले वीक जर्मनी जाना पड़ेगा। सर सिद्ध, आई एम बिजी। सुजी, आप वो त्यागी साहब को जरूर फोन कर लेना और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है उसके पॉलिटिशियंस को डिबेट के लिए बुला लेना। ओके सर। सिद्ध, तुम गए नहीं अभी तक? सर आज घर जरा जल्दी जाना है, मेरी बिल्डिंग में गणपति बैठ रहे हैं, उनकी पूजा है। तो ठीक है, आकाश की स्टोरी कंप्लीट कर दो, उसके बाद चले जाओ भाई। आकाश, आकाश। जी डैड। क्या ये हाँ? क्या ये? अबे घंटू चन, मैं दिन रात एक कर रहा हूँ तेरे वास्ते, पैसा कमा रहा हूँ तेरे वास्ते, और तू शाम को 7 बजे उस 2 टके की लौंडिया के साथ भागने का प्लान कर रहा है। डैड, मैं पूजा से प्यार करता हूँ। डैड, अबे प्यार क्या तेरे ने? बेटा देख इधर आ, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये लड़कियां ना बेवकूफ बनाती है। चल मैं तुझे दिखाता हूँ तेरे वास्ते क्या क्या रखा है हमने। चल 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 चल, आजा 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 आजा। ये देख, पूरे 1 करोड़ रुपए रखे हैं तेरे वास्ते। सोचा था कि बिरादरी की एक लड़की के साथ तेरी शादी होगी तो ये सब तुझे दे दूंगा, लेकिन एक बात याद रख, अगर तूने पूजा से शादी की तो ये पैसे, ये घर, गाड़ी सब भूल जाना। हाँ, अब बता, तुझे पूजा चाहिए या पैसा? डैड प्रैक्टिकली देखे तो पैसा ज्यादा अच्छा है, तो मुझे पूजा नहीं पैसा मंजूर है। शाबाश बेटा शाबाश,
आज तूने साबित कर दिया तू मेरा ही बेटा है। आजा, गले लग जा मेरा बच्चा। देखा तेरा जलवा, देखा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। प्यार की कस्में खाने वाले प्रेमी जोड़े किस तरह से अपने रंग बदलते हैं। कभी तो लालच के शिकार होते हैं, तो कभी अपने माँ बाप के इमोशनल अत्याचार से बेजार होते हैं। तो देखना ना भूलिएगा। पटेल खुश होना चाहिए बस। इस प्रोग्राम का दूसरा भाग आज रात ठीक 10 बजे। पूजा हुई पप्पू की। प्रसिद्ध, कमाल कर दिया यार, कमाल। क्या लिखा है तूने? अपने इस कलम की धार को यूं ही बनाए रखना मेरे दोस्त। वैसे एक बात बता, किस ब्लेड से छीलता है अपनी पेंसिल को? चल रे भवानी, तू नहीं सुधरेगा। हाय। कहाँ है तू? आज जल्दी आने के लिए कहा था ना तुझे। हाँ बस अभी निकल रहा हूँ। बाबा आ गए क्या? अब वो कहाँ आएंगे, उनका कोर्ट मैटर है, फोन भी नहीं उठाएंगे आज वो। ठीक है आई, मैं अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ। जल्दी आना। हाँ योर ऑनर, मेरा फोन बार बार बज रहा है, आधे घंटे से बज रहा है। मैं जानता हूँ ये मेरी बीवी का फोन है। हमारे घर में गणेश पूजा है आज, और मेरी बीवी पूजा का थाल लिए मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने क्यों? क्यों साठे क्यों? क्योंकि मेरा काम ही मेरी पूजा है योर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अरे क्या वाह वाह, मुशायरा चल रहा है क्या इधर? डोंट गेट इमोशनल साठे, बिंदु की बात करो। सर, बिंदु के डांसेस और एक्टिंग के बारे में बाद में भी बात हो सकती है, मेरी आपसे गुजारिश है कि केस पे फोकस किया जाए इस वक्त। साठे साठे साठे, बिंदु की बात करो यानी पॉइंट की बात करो। जस्ट कम टू द पॉइंट। ओ हाँ, तो बिंदु पे आते हैं, मेरा मतलब है पॉइंट पे आते हैं। आप मुझे ये बताइए कि इस जमाने में लोगों को सबसे ज्यादा करप क्या करता है? इंटरनेट नहीं, मोबाइल नहीं। अगर आज के बच्चों को सबसे ज्यादा करप्ट करता है तो वो है अश्लील साहित्य, आवारा पड़ोसन, जवारी का भूचाल। आंटी हसीना। थैंक यू आंटी हसीना। ऐसी अश्लील किताबें पढ़ता है ये आदमी जिस उम्र में ज्ञान और भक्ति की किताबें पढ़नी चाहिए उस उम्र में मस्तराम की किताबें पढ़ रहा है ये आदमी। अब आप ही बताइए कि ऐसे गिरे हुए इंसान के साथ भला एक मासूम औरत कैसे रह सकती है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल पे बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है। एक बार मान भी लिया जाए कि गुलगुले इस तरह की किताबें पढ़ता है, पर उसका इस केस से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है योर ऑनर। अब आप ही सोचिए कि जो इंसान इतना गिर सकता है, अश्लील साहित्य पढ़ता है, वो घर में बीवी के होने के बावजूद बाहर रंगरलिया मना सकता है योर ऑनर। मिलॉर्ड, मैं चाहता हूं कि किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले यह अदालत इस केस के हर पहलू पर गौर करे। हाँ, सबूतों की अच्छी तरह से जांच करने और केस के हर पहलू पर रोशनी डालने के लिए अदालत को थोड़ा वक्त चाहिए। और अदालत पुलिस को यह हुक्म देती है कि फौरन गुलगुले के घर छापा मारकर और भी जितनी इस तरह की किताबें वो सब जब्त कर ली जाए और जब्त करके सीधी मेरे पास लाई जाए। मैं उन्हें अच्छी तरह से पढ़ूंगा। मतलब अच्छी तरह से जांच पड़ताल करूंगा। तब तक के लिए यह अदालत बर्खास्त की जाती है। थैंक यू यार, आप बाहर जाइए। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सतीश। लगता है इस बार आपकी सिल्वर जुबली हो ही जाएगी। नहीं नहीं सतीश, सिल्वर जुबली होने में अभी एक और केस चाहिए। अभी तक तो ये सिर्फ 24वां डाइवोर्स केस है। हाँ भाई हाँ, आ रहा हूँ। ज्ञान गुरु, मेरे कॉलेज में एक लड़की है, मैं इश्क दारियां फिल्म का गाना उसे डेडिकेट करना चाहता हूँ। भाई
प्यार में पड़ी साशी की फरमाइश को भला मैं कैसे। एक बात बता सिड, ये पटेल का प्रॉब्लम क्या है? जब भी घर जल्दी जाना होता है ये कभी नहीं छोड़ता। उसको छोड़, वो हमेशा बिजी रहता है। तू ज्ञान गुरु का प्रोग्राम सुनना। अरे भाई पीछे देंगे, ये लोग भी ना। दो दिन का प्यार, थोड़ी सी तकरार, फिर हो जाएगी पूजा किसी और पप्पू की। साहब आप वकील हो क्या? नहीं, पायलट हूं। पायलट दिखता नहीं है वकील, डाइवोर्स स्पेशलिस्ट। क्या बात कर रहे हैं साहब, आप डाइवोर्स कराते हैं? साहब हमारे तो भाग खुल गए साहब। क्या मतलब? साहब हम अपनी बीवी से बहुत परेशान हैं साहब, हमारा भी डाइवोर्स करा देने साहब। अरे भाई तू टैक्सी चलाना, वैसे भी मैं पहले से परेशान हूँ, गाड़ी को आज ही खराब होना था। साहब हम जैसे गरीब का दर्द आप जैसा लोग नहीं समझेगा तो कौन समझेगा साहब। अच्छा बता क्या प्रॉब्लम है तेरा? साहब मेरी बीवी ना छोटी छोटी बात पे लड़ाई करती रहती है, झगड़ा करती रहती है। अब देखो ना साहब, हर बात पे इतना खुश रखता हूँ उसको, बेलन लेके ऐसे ऐसे जगह मारती है साहब। आपको मैं दिखाता, पब्लिक प्लेस जगह है साहब। ए भाई तू मुझे कुछ मत दिखा, आगे देख, गाड़ी चला। साहब तेरा लव मैरिज हुआ था या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है साहब, माँ बाप की पसंद, तभी तो फंस गया हूँ ना साहब। मारू क्या एक कान के नीचे? अरे माँ बाप की पसंद पे उंगली उठाता है, नसीब वाला है तू, जो माँ बाप ने तुझे एक अच्छी लड़की पसंद करके दी होगी। यार रोक दे गाड़ी। देखो ये साठे है ना, सिर्फ लव मैरिजेस का डिवोर्स करवाता है, अरेंज मैरिज का नहीं। आई हेट लव मैरिजेस। ये ले एंड कीप द चेंज। मुझे लव मैरिज से सख्त नफरत है। गाड़प सर्वांगी सुंदर उठिशे दुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची, जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती, जय देव रत्न खचित परात गौरी कुमारा, चंदनाची उठी कुंकुमेश्वरा, शोभतो बरा रुणझुणती नू पुरे चरणी घागरिया, जय देव कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया। वाह मी वर्जोन पोहेची तैयारी करते हैं। अरे थाम थाम ग स्वाति बेटा, बहुत दिनों से आपका गाना नहीं सुना, तो आज एक भजन सुना दीजिए। स्वाति अगर मन लागत है सांगता इतना उड़ नहीं पापा मैं आता। अरे मेरे लिए नहीं तो कुछ नहीं, सिड के लिए सुना दीजिए। मैं आई के साथ पोहा बनाती हूँ। चल 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 चल। लास्टली मैं भी जाता हूँ। हाँ ये लो। हाँ लाडकरणी, मुझे लगता है अब हम इन दोनों की शादी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। साठे तुम तो जानते हो, जब से स्वाति की माँ गुजर गई है तब से मैंने ही उसको माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। अब वो बड़ी हो चुकी है, खुद के फैसले खुद करती है। लेटर डिसाइड, आई डोंट माइंड। जानता हूँ, आओ चलो। आई मंगेश भाव से कॉल। आगो भाई मंगो। मंगेश भाव कैसी है आई? कैसी है आई, परसों फोन नहीं किया तूने, आई की याद नहीं आती ना? याद तो बहुत आती है आपकी आई, पर क्या करूं काम में इतना बिजी रहता हूँ कि पता ही नहीं चलता। जेनिफर कैसी है? जेनिफर आई जेनिफर बहुत अच्छी है, लो आपसे बात करना चाहती है। हेलो आई कशी आईस? अरे यू आर स्पीकिंग मराठी, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आई आई लव यू लव यू लव यू बेटा। आई गणपति बप्पा मोरिया। अरे वाह मोरिया मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। हेलो मंगेश एक मिनट। हाँ स्वातिला बोलायचं, बोल बोल। हेलो मंगेश भाऊ। हाँ स्वाति
क्या हालचाल? सब बढ़िया। आप मुंबई कब आ रहे हैं? सून, वेरी सून। नेक्स्ट टाइम मुंबई आएंगे तो हमारे घर पे पक्का आना है। पक्का स्वाति, मैं जब भी मुंबई आऊंगा तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। जी, एक मिनट। आई ओके दादा, फोन रखता हूँ। आई ये बाबा क्या बार बार स्वाति को लेके पीछे पड़े रहते हैं मेरे। क्यों, तुझे नहीं पसंद स्वाति? स्वाति अच्छी लड़की है आई, लेकिन मैं उसको उस नजर से नहीं देखता। तो तुझे कैसी लड़की चाहिए रे? मुझे मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो धमाका हो। जो कट्स ओनली थप्पड़ धमाका। मेरा तो इल चांगला धमाका। पिछले 4 साल से देख रहा हूँ साठे, अब बस भी करो ना, बुला लो मंगेश को घर पे। अरे आखिर वो भी तो तुम्हारा बेटा है। बेटा था, मतलब था, वो मेरा बेटा था। जब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, मैं खुद गया था, पूरे कोर्ट में पेड़े बांटते फिरता था, मैं खुश था, तब वो मेरा बेटा था। तो लेकिन उस लड़की के साथ उसने जब शादी करने का फैसला किया, तब से वो उसका पति हो गया। वो क्या है वो नाम उसका, वो जेनिफर। हाँ वही, वो जेनिफर का पति है, वो मेरा बेटा नहीं है। ये देख साठे, अगर तू कहे तो मैं बात करूं क्या उससे? हो सकता है वो मेरी बात मान जाए। लेकिन हम में से किसी को उसके साथ बात करनी ही क्यों चाहिए? अरे अरे, उसने सब कुछ किया है अपनी मर्जी से। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, तो पुणे में जॉब मिली तो पुणे चला गया, हमें यहां छोड़ के। वो भी उसकी मर्जी थी। उस जेनिफर के साथ उसने शादी कर ली, वो भी उसकी मर्जी थी। अरे उसके सामने मैंने क्या किया? मैंने अपनी मर्जी का एक किया, उसको घर से निकाल दिया। उसने हमें उसके मन से निकाल दिया, मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया। तो अगर वो जो कुछ भी करता है उससे आप कुछ नहीं कहते और मुझे एडवाइस देते फिरते हो। वो भी बोलती रहती है मुझे, और तू भी बोलता रहता है। नहीं, उसने मेरी मर्जी के खिलाफ जो कुछ भी किया वो गलत किया। वो अपनी गलती मान के अगर वापस आना चाहता है तो मेरे घर के दरवाजे खुले, लेकिन गलती मान के आएगा तो नहीं तो नहीं। आज किससे लड़के आई है? जब घंटे तेरा पारा चढ़ा रहता है, कभी ठंड भी रखा कर, आज क्या हो गया? कैसे ठंड रखूं? ये गाड़ी वाले सड़क को जागीर समझते हैं। सच बोल रही हूँ मम्मा, एक दिन मिल गए ना सबकी गाड़ियों के टायर पंचर कर दूंगी मैं। ओहो बस कर अपनी ये चूचापड़। पहले ही मैं अमृता को लेकर बड़ी टेंस्ड हूँ यार। अब क्या हुआ, फिर से नई डिमांड? 2 लाख रुपए। 2 लाख? मम्मा 2 महीने पहले हमने 3 लाख रुपए दिए उन्हें। वही तो, मेरी बेटी तो ना लालची भेड़ियों के बीच में फंस गई है, क्या करूं मुझे समझ ही नहीं आता। वैसे तो उसे फोन कर लेना। हाँ मैं बात करती हूँ। मम्मा हाँ, आपकी आंखें क्यों सूजी हुई है, रात भर सोई नहीं आप? तेरे पापा ने सोने ही नहीं दिया। हाँ मम्मा, सो रोमांटिक मम्मा। ओ खाक रोमांटिक, गैस बन गई थी सारी रात नाक में दम करती। मम्मा नो रोमांस। अरे बौजी फिर से छोले। तेरी ता कड्डा जुती लवा छितर सारे दे सारे मेरे खाने पे नजर है। ओ एक पाद क्या मार दिया, कोई बम मार दिया, कोई ट्विन टावर गिरा दी तुम्हारी। आशीष जी आ गए। आशीष जी
ओए आशीष पुत्र। अरे अंकल। ओए, ओए आशीष पुत्र। ओए यार कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ। इतने दिनों बाद याद आई तुझे मेरी है? अंकल याद रोज आती थी, बस एक काम से सिडनी जाना पड़ गया। अच्छा। और आज सुबह ही वापस आया हूँ, सीधा आपके पास आ गया। ये मेरी जान। और आप बताइए घर पे सब ठीक है? फर्स्ट क्लास। आंटी खा के मोटी होती जा रही है यार। अमृता और शन्नू का क्या हाल है? बेटा अमृता अपने ससुराल में है और शन्नू आज ही एक कोई चैनल ज्वाइन करने जा रही है। चैनल? हाँ। That's great uncle. कौन सा चैनल? यार वो अपने दोस्त का एक चैनल है, उसका नाम क्या है, वो चालू चैनल। चालू चैनल? May I come in, sir? Yes, come in, शन्नू। He is Sid, कंपनी का राइटर है। Hi. He is भवानी कंपनी एंकर पर्सन। Hi. And she is Shanoo Kapoor. As a writer, मैंने इसे यहाँ बुलाया है। Sir, from when I can start my work? What do you mean by when? भाई आज क्या बल्कि अभी से। Sit down. एक नए एपिसोड के ऊपर डिस्कस करने हैं। Sure, sir. Yeah. हाँ सिद्ध बोलो। Sir, मैंने 3 stories ready की हैं sir. पहली लुंगी उठती है और इज्जत लुटती है। क्या उठती है? लुंगी। लुंगी सर। दूसरी तो सुनिए, सैया थानेदार तो डर काय का। सर तीसरी तो बेस्ट है। अच्छा। जमाना हैरान लड़कियां परेशान, फिर आया कास्टिंग काउच का शैतान। स्टोरी तो ठीक है लेकिन भाई दम नहीं है, पकड़ नहीं है, यू नो। मसाला तो मांगता सर। व्हाट डू यू से शनो, एनी आइडिया? सर जो ये फिर आया कास्टिंग काउच का शैतान, इसकी जगह अगर हम कर दें आउच, फिर से कास्टिंग काउच, कैसा रहेगा सर? आउच, फिर से कास्टिंग काउच, टीआरपी तो मिल गई सर। आई थिंक सो व्हाट डू यू से सिद्ध? सर अगर आपको अच्छी लगती है तो ठीक है सर। तो डन, वेरी गुड, वर्क ऑन दैट, नो प्रॉब्लम। ब्रिलियंट सर। ओके कैरी ऑन देन, डू योर वर्क। सिट डाउन, यू कम विद मी, कम। वेरी नाइस। तू क्या बोल रहा था आज मीटिंग में? ये जो लड़की है ना छन्नो, बहुत तेज है, बच के रहना। तू बड़ा बोल रहा था, मसाला मांगता है सर, उसकी साइड ले रहा था। अरे मैं तो तेरी साइड हूँ यार, तू भी ना। आ गई। So, शुरुआत अच्छी रही तुम्हारी। You'll go far, Shanoo. Thank you, Sid. Looking for your guidance and support. Care, bye. See you all okay, tomorrow. Bye. Guidance and support. दूंगा इसको। छोड़ना। चल आज साबियो के अड्डे पे। नहीं यार, मेरे को बहुत लेट हो रहा है आज। मैं तेरे को कल मिलता हूँ। चल। अच्छा तेरा नया का क्या है बे? Well, we are just good friends. Huh? Just good friends. Good friends. ये सुनते मुझे 5 साल हो गए पुत्र, कहानी आगे भी तो बढ़ाना। हाँ बेटा कितना टाइम लगाओगे? तेरी जगह तेरी मम्मी होती तो अब तक शादी करके 2-3 बच्चे पैदा कर दिए होते। हा? नहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई देखो लड़का खानदानी है, पंजाबी है और सबसे अच्छी बात यह है कि अमीर है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज सुबह दुकान पे आया था होटल पे, झुक के मेरे पांव छुए उसने। पापा प्लीज, और भी गम है जमाने में इस शादी के सिवा? ओ पुत्र गम तो शादी के बाद भी बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ये खानदानी लड़का हाथ से निकल गया ना तो बाद में पछताती रह जाएगी। हाँ बस यही कह के ना आपने अमृता दी की शादी करा दी। पर मैं अमृता दी नहीं हूँ पापा, कि आप किसी भी गाय की तरह मुझे किसी भी खूंटे से बांध दो। प्लीज शादी के लिए मुझे फोर्स करना बंद कर दो। हद होती हर चीज की। देख रही है कैसे जुबान चलाने लगी है, जैसे सारी गलती मेरी हो। छोड़ो ना, आप खाने पे कॉन्सेंट्रेट करो। अब मुझको छोड़, उसको पूछ ले उसने भी कुछ खाया कि नहीं खाया है। शन्नू पुत्र दरवाजा खोल, खाना खा ले। नहीं खाना। अच्छा ठीक है खाना मत खा, दूध तो पी ले, खाने से तेरी क्या दुश्मनी है?
मम्मा बोला ना मुझे ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, आप प्लीज जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, कुछ मत खा। अमृता को फोन तो कर ले, उसका फोन आया था। हाँ हेलो। हेलो दी। हाँ शनू बोल। वैसे मम्मी बता रही थी तुम्हारे ससुराल में कुछ प्रॉब्लम। शनू शांत रह यार, माँ है वो, बस कुछ भी बोलते रहती है। तू ना उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दे, प्यार करती है ना वो मुझसे बहुत ज्यादा, इसलिए फिक्र लगी रहती है। पर सच बताऊं मेरे ससुराल वाले ना मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और तेरे जीजू जी के बारे में मैं क्या बोलूं, वो तो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि अब मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। खैर वो सब रहने दे, ये बता कि तेरे आज ऑफिस का पहला दिन था ना, कैसा रहा आज ऑफिस का पहला दिन? इट वॉज गुड, बाकी सब ठीक है सिवाय सिद्धार्थ साठे के। समझ में नहीं आता उसे मुझसे प्रॉब्लम क्या है, आज पता है मीटिंग में इतना एटीट्यूड दिखा रहा था ना। खैर वो टेंशन मत ले, मैं उसे संभाल लूंगी। तू बस अपना ख्याल रख ओके। हाँ कुछ बताना था तुझे। ओ यस, मेरा शो आने वाला है शार्प 9 o'clock चालू चैनल ओके। तू फटाक से टीवी ऑन कर और देख ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तू रख फोन मैं टीवी ऑन करती हूँ। मम्मा मेरा शो